बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का तीसरा दिन है और सुन्नत इब्राहिमी पे जैसे पहले दिन से हम आपसे बात करते आ रहे हैं, हमेशा की तरह आज भी यही आपको बताएंगे। और सबको पता ही होगा कि सुन्नत इब्राहिमी पे अमल किया जाता है पहले, दूसरे और तीसरे दिन। तो कुर्बानी का सिलसिला तीसरे दिन तक जारी रहता है और मज़ेदार रेसिपीज़ जो होती हैं वो घर में बन रही होती हैं, हम भी आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं और आपको बता रहे होते हैं नए नए तरीके खाने पकाने के भी, और साथ में कि किस तरह से हमें एहतियात करनी चाहिए, क्या क्या टिप्स होनी चाहिए उसमें, कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी मुझे सेहत। तो बग़ैर किसी ताखिर के टाइम को अपने मद्देनज़र रखते हुए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक चीज़ साथ में और आपको बता दूँ कि पहले दिन भी हमने आपके साथ जो रेसिपी शेयर की वो मटन में थी और साथ में हमने कलेजी भी तैयार की थी दूसरे दिन की रेसिपी। तो आज हमने सोचा कि हर शख्स मटन में या बीफ का इस्तेमाल नहीं करता, बच्चों का भी दिल होता है और वो भी लोग होते हैं जो इसको पसंद नहीं करते, गोश्त को खास तौर पर। बात कुर्बानी के गोश्त की बिल्कुल नहीं हो रही, बात हो रही है गोश्त की खाली। तो आज हमने अपने नाज़रीन को और अपने फैमिली में भी, अपने दोस्तों अहबाबों में भी मद्देनज़र रखते हुए जो मीट का इस्तेमाल तो ज़रूर किया है लेकिन उसको हमने चेंज कर दिया। हमने आज जो इस्तेमाल किया है वो दो तरह का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं चिकन का गोश्त और दूसरा जो गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ऊँट का। ऊँट के गोश्त से हम चपली कबाब आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि ऊँट के गोश्त के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि इसका पाकिस्तान में जैसे मैंने पहले बताया कि रेशो कम होता है खाने का, कुर्बानी का रेशो बढ़ता जा रहा है और रेसिपी इसकी इतनी ज़्यादा शेयर नहीं की जाती है। इसके साथ साथ हम आपको बारबेक्यू प्लेटर का तरीका बताएंगे कि बारबेक्यू प्लेटर में ज़रूरी नहीं है कि आप खाली बीफ का और मटन का गोश्त इस्तेमाल करें, आप उसमें चिकन टिक्का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसमें मलाई बोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमारे बारबेक्यू प्लेटर के अंदर होंगी, पराठा भी होगा, चटनी भी होगी। तो हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हमारे पास मौजूद है चिकन, तकरीबन एक किलो के करीब हम चिकन शामिल कर रहे हैं। चिकन जो है वो आप चाहें तो बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप बोन वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चिकन मौजूद है एक किलो के करीब और साथ में हम इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। पहले टाइम पे ये होता था कि जब हम चिकन को शामिल करते थे पतीली के अंदर, आप चाहें तो अच्छा, मैं एक चीज़ और सॉरी आपको बता दूं कि चिकन भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कुर्बानी के टाइम के अंदर, और कुर्बानी का वक्त चल रहा है, बारिश का भी लेट अपना सिलसिला जारी था और मौसम भी बहुत अच्छा भी हुआ हुआ है, खुशगवार भी है, लेकिन क्योंकि जगह जगह जो है वो गंदगी हो जाती है और लोग आलाइशों का एक सिलसिला जो होता है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप इस चीज़ की बहुत एहतियात करें कि कोई भी मीट इस्तेमाल करें उसको एक दफ़ा बॉयल ज़रूर कर लें। चिकन में हिद्दत ज़्यादा होती है, आर्टिफिशियल फीड्स उसको दी जाती है जिसकी वजह से गोश्त जो होता है गर्म होता है और वो बार दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी स्किन पे एलर्जी कर देता है। तो कोशिश करें कि अगर आप चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वो भी एक पानी को बॉयल करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसमें लहसुन अदरक शामिल किया है, साथ में हम इसमें आज अचार गोश्त का मसाला ज़बरदस्त सा हम वो शामिल करेंगे। उसमें जो स्पाइस हम शामिल कर रहे हैं उसमें हम कलौंजी शामिल कर रहे हैं, साथ में हमने सारा मसाला जो है वो तैयार करके रखा हुआ है, कुटी हुई लाल मिर्च है, साथ में हम इसमें कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इसके कलर को चेंज करता है, एक मज़ेदार सा फ्लेवर भी देता है और उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है पकने के बाद। इसके साथ ही हम इसमें सौंफ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सौंफ जो है वो अचार गोश्त की रिक्वायर्ड होती है कि अचार गोश्त में सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। सही है, तमाम मसाले हमने इसमें शामिल कर लिए हैं और मिक्स करके हमने इसको रख दिया। इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। ये हमने 4 टेबल स्पून इसमें हमने मसाला शामिल किया, लहसुन और अदरक शामिल किया, साथ में आप टमाटर इसमें टमाटर शामिल करेंगे तकरीबन 5 से 6 अदद। प्याज चाहें तो प्याज का भी इस्तेमाल होता है क्योंकि हर घर की हर कम्युनिटी की अपनी एक रेसिपी होती है, हर फैमिली अपने हिसाब से रेसिपी को पका रही होती है। तो टमाटर जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं तकरीबन 5 से 6 अदद। आप चाहें अगर गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप वो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। टमाटर शामिल करेंगे हम इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल कर रहे हैं।
मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ख्याल रखें कि गोश्त कच्चा नहीं होना चाहिए। बारबेक्यू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है बकरीद के अंदर, तो लोग कोशिश करते हैं कि उसको जल्दी जल्दी पकाएं और जल्दी जल्दी खाएं। प्लीज़ हरगिज़ ऐसा ना करें, क्योंकि कच्चा गोश्त जो है वो मुझे सेहत है नुकसानदेह। उसमें एक ब्लड का एक रेशो होता है जो आपकी बॉडी में जाके इन्फेक्शन करता है, जिससे आपको डायरिया या टाइफाइड का ख़तरा पैदा होता है। ठीक है, मसाले को जितनी देर गोश्त को जितनी देर मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही अच्छा वो पकेगा भी और उतना ही अच्छा वो फ्लेवर भी देगा। उसको ज़्यादा कुक करने से बेहतर है कि आप मसाले को लगा के उसका टाइम जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा दें और उसके बाद आप उसको जल्दी कुक करें। एक दूसरी तरफ हम आपको बारबेक्यू प्लेटर जो है वो भी बता रहे हैं कि हमारे पास जो ऊँट का गोश्त है इस तरह से इसको प्रेस करना है। इसमें हमने जो चीज़ें शामिल की हैं, इसमें हमने मकई का आटा शामिल किया है, साथ में हम इसमें छोटा सा थोड़े थोड़े पीस करके हम इसमें जो है वो शामिल कर रहे हैं टमाटर के, साथ में कुटी हुई मिर्चें शामिल की हैं, मकई का आटा शामिल किया है 1 टेबल स्पून के करीब। अच्छा, इसका जो फ्लेवर होता है चपली कबाब, हम आम तौर पे भी और मीट के भी इस्तेमाल करते हैं, चिकन के भी बनाते हैं, बीफ के भी, लेकिन ये क्योंकि हम ऊँट के गोश्त का स्पेशली बना रहे हैं, तो हमारी ख्वाहिश है कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो ऊँट के गोश्त का जो कबाब है वो ज़रूर इसको ट्राई करें। तो आपने ऐसे करके लेके जाना है और ऐसे एक तरफ कर देना है। ठीक है, जी नाज़रीन, हमारी यहाँ पे चीजें तैयार हो रही है। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमारे पास दुम्बे के गोश्त की कुछ बोटियाँ मौजूद हैं, क्योंकि दुम्बे का गोश्त जो है लिमिटेड होता है और उसमें एक बहुत अहम चीज़ होती है जो चक्की कहलाती है। चक्की जो है चिकनाई होती है बेसिकली, जो हम दुम्बे के गोश्त के साथ सीख के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास किचन में बार दफ़ा ऐसा होता है कि फ्लैट सिस्टम है या घर छोटा है, वेंटिलेशन का मसला है, तो आप धुआं जो है वो बाहर नहीं जा पाता, तो उसके लिए हमने आपके लिए जो तवे पे जो है ना इन चीज़ों को तमाम चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं कि तवे पे या पतीली में या इस तरह से हम आपको सिखाएं अपने घर के किचन के अंदर, ताकि आप आसानी इसको तैयार कर सकें। तो ये जो चक्की है, एक बोटी हम चक्की की लगाते हैं, एक बोटी हम दुम्बे के गोश्त की लगाते हैं और उसको इस तरह से चीज़ों को मिला के और फिर उसको हम करते हैं। इसके साथ ही हम इसको इसमें भी शामिल कर लेंगे, ताकि साथ साथ हमारी ये बोटियाँ जो हैं ये इस तरह से ये चक्की की बोटी कहलाती है, जो दुम्बे की दुम का गोश्त होता है वो कहलाता है। ये इन बोटियों को भी आप इस तरह से तल लेंगे। साथ में जो है वो थोड़ा ही मज़ेदार सा और अच्छे से फ्लेवर का चार गोश्त तैयार किया जा रहा है। अमूमन लोगों की ख्वाहिश होती है, हमारे दस्तरखान से हमारी फैमिली में तो ये होता है कि हमारी जो एक सिस्टर है वो गोश्त का इस्तेमाल नहीं करती, उनको गोश्त पसंद नहीं है, तो हम स्पेशली हमारी जो मदर हैं उसके लिए दाल चावल या किसी भी एक दाल या सब्ज़ी का एहतमाम करती है। दस्तरखान पर हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए, हर आने वाले की या अपने घर वालों की हर पसंद का ख्याल रखना चाहिए कि कौन गोश्त खाता है, कौन सब्ज़ी खाता है, कौन दाल चावल खाता है। तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें भी अगर आप दस्तरखान पे मौजूद रखते हैं तो सबका दिल खुश भी होता है और खाना भी इंजॉय होता है। तो ये देखें आप, ये इस तरह से एक बड़ी ज़बरदस्ती खुशबू है इसकी, दुम्बे के जो बोटी है चक्की की। इसीलिए मैंने पहले अपने प्रोग्राम में बताया कि आप इसमें
जो बकरा ईद का गोश्त है स्पेशली, उसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल या घी का इस्तेमाल, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं बनस्पति वगैरह, वो कम करें। इसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। बाहर जब हम दुकान से गोश्त को परचेज़ करते हैं तो वो उसको जो उसका फ़ैट होता है वो हटा देते हैं और बहुत कम चिकनाई पे वो आपको सेल करते हैं, और हम वही बनाते हैं। उसमें हम क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं अपने ऑयल की या घी की इसमें, क्योंकि हमारे घर में हमारे सामने कटा हुआ होता है गोश्त और इसमें फैट बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। साथ साथ ये भी इसके बन रही हैं। चपली कबाब जो हो चुके हैं आपने उसको उतारना है और इस तरह से आपने उसको सर्व करना है। गरम गरम प्लेटर होगा, मज़ेदार सा प्लेटर होगा, खाने में बहुत अच्छा लगता है। आँच हम कम कर देते हैं। साथ में हमने टिक्के पे मसाला लगा के रखा होता, टिक्के को भी हम गरम कर लेते हैं इस तरह से। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए अंगीठी लाएं या इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत हो। आप टिक्के पे मसाला लगा के रखें और उसको आप तवे पे या किसी भी घर के पैन में या पतीली में आप उसको आराम से गरम कर सकते हैं। दुम्बे के गोश्त की बोटियाँ जो हैं थोड़ी कम क्वांटिटी में हैं, लेकिन वो हमने प्लेटर में ज़रूर शामिल करनी है। साथ में सीख कबाब हैं। टमाटर के स्लाइस कर लें। ये टिक्का, आप टिक्का यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट पक चुका है। बहुत ही आपको ज़रूरत ही नहीं है बारबेक्यू की खुशबू और एक स्मोक सा आपको आ रहा है। अगर आप चाहें तो कोयला हो तो कोयले को भी आप रख सकते हैं। और आखिर में जब आप प्लेटर को कवर करते हैं तो प्लेटर को कवर करते हुए आप उसमें स्टीम दे सकते हैं। ठीक है, टिक्का आपने, जिन लोगों को गोश्त नहीं स्पेशली मतलब बकरे का या गाय का गोश्त नहीं पसंद, उनके लिए हमने टिक्का प्लेटर के अंदर शामिल किया है। साथ में बिहारी बोटी है इसमें, ठीक है। थोड़ी सी इसमें हमने कलेजी भी शामिल की है, भुनी हुई कलेजी भी है। कोशिश करें कि जिस दिन कुर्बानी हो उसी दिन कलेजी को पका के उसको वाइंड अप कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रखने से नुकसानदेह होती है। इसमें अलग से एक पानी होता है, एक वाटर होता है जो बहुत मुजर सेहत होता है, वो आपके लिए सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके घर में इतनी फैमिली मेम्बर नहीं है तो आप अपने किसी जानने वाले को, किसी ज़रूरतमंद को पका के भी दे सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि आप कच्चा दें। तो कलेजी का इस्तेमाल आप फौरी फौरी करके और उसको वाइंड अप कर दें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये एक तरफ हमारे यहाँ पे कबाब है और एक तरफ कलेजी है, साथ में सालन भी हो रहा है तैयार। ये इस तरह से बिहारी बोटी है, साथ में आपने कलेजी भी इसमें इस तरह से शामिल करनी है। बारबेक्यू प्लेटर जो है उसमें चीज़ें मैं रखती जा रही हूँ। साथ में हम इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा, अच्छा मज़ेदार सा जो है वो पराठा बना रही है। हाथों पे मत जाइएगा क्योंकि ख़वातीन
कि जो हाथ हैं वो स्पेशल कुर्बानी में जो है वो ऐसे ही होते हैं कलरफुल से, और बहुत सारे मसाले लगे हुए होते हैं। आटे की जो नॉर्मल एक फाइन आटा होता है उसको गूंदना है, उसमें नमक शामिल करना है, थोड़ा सा उसमें ऑयल शामिल करना है, और गूंद के उसको वो आप 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है घर में भी और सेगमेंट में भी, क्योंकि आपको पता है कि वो टाइम का बड़ा एक मार्जिन रख के चलना पड़ता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने नाज़रीन को रेसिपी जल्द से जल्द और अच्छी से अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करके दिखाएं। प्लेटर हमारा तकरीबन तैयार हो गया है, ठीक है, पराठा भी तैयार है। अच्छा, पराठे को आप चाहें तो कढ़ाई में भी पका सकते हैं, चाहे तो आप तवे पर भी पका सकते हैं, किसी चीज़ का कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अचार गोश्त भी तकरीबन तैयार हो गया है, मज़ेदार सा, और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है अचार गोश्त की, अपनी एक खुशबू होती है। इसको इस तरह से फॉइल पेपर पे रख के और उसको आप हाथ की या चिमटा या एक आप सीजर ले लें, उसको इस तरह से आप उसके 4 टुकड़े कर लें, या चाहें तो 2 टुकड़े भी कर सकते हैं, ठीक है। साथ में थोड़े से हम प्याज रखेंगे, इसमें प्याज शामिल करेंगे। आप चाहें तो अगर खीरा है आपके पास तो खीरा भी रख लें। तमाम चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। आखिर में जो है, अगर आप चाहें तो कोयला जो आपके पास दहका हुआ है उसको आप इस तरह से रख के और उसके ऊपर इस तरह से आपको घी से दम देना है, और इस तरह से करके आपको प्लेटर को कवर कर देना है। ये आपका मज़ेदार सा बारबेक्यू प्लेटर तैयार है। अचार गोश्त हमारा तकरीबन तैयार हो गया, हमारे से मीन चिकन का तैयार हो गया, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ा अच्छा सा धुआँ इसमें से आ रहा है। और किचन जो है घरों के भी बहुत ही मुश्किल से मैनेज होते हैं, किसी का किचन बड़ा होता है, किसी का किचन छोटा होता है, कुछ लोग खाने को बैठ के पकाते हैं, कुछ लोग अपने काउंटर पर खड़े होकर पकाते हैं खाने को। हर किसी के अपने घरों के जो है वो तरीक़ेकार होते हैं, कम्युनिटी सिस्टम होता है। तो यहाँ पर अचार गोश्त तकरीबन तैयार हो गया मज़ेदार सा, मैं उसको सर्व कर देती हूँ। हरा धनिया जो है वो खाने की खूबसूरती है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक कलर रखा है कुदरती, जो उसका एक कलर होता है, एक फ्लेवर होता है। तो हरे धनिया का इस्तेमाल ज़रूर रखें। अगर आप खाएँ तो इसमें हरी मिर्चें भी भर के आप हरी मिर्चें शामिल कर सकते हैं। खाने के स्पाइस को कम रखें, जो हमारे मसाले जाते हैं वो कम रखें। कोशिश करें कि मीट जो है वो जल्द से जल्द गले, अगर आप उसको बॉईल करके रखते हैं तो वो जल्दी तैयार हो जाता है। अचार गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया है, बड़ा मज़ेदार सा है, और इसमें थोड़ी सी आपको ग्रेवी रखनी है, क्योंकि आपके पास एक बारबेक्यू प्लेटर है जो बिल्कुल ही खुश्क प्लेटर है, उसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो खुश्क हैं, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो है प्लेटर के अंदर शामिल की हैं। तो कोशिश करें कि आप अगर 2 सालन बना रहे हैं या कोई भी 2 आपके पास रेसिपी है घर में भी, तो आप एक जो है ग्रेवी वाली शामिल करें रखें, और एक जो है वो आप सूखी शामिल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, रेसिपी का ख्याल रखें, ज़रूरतमंदों को गोश्त ज़रूर दें। आप चाहें तो इसका जब मसाला मैरिनेट कर रहे हो तो मैरिनेट करते हुए भी आप लेमन को शामिल कर सकते हैं। हरे धनिया के बगैर तो मुझे तो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और हमारे यहाँ तो शुरू से एक सिस्टम चला आ रहा है कि जब तक हरे धनिया की गार्निश ना हो तो खाने का अपना मज़ा नहीं होता। तो ये अचार गोश्त तैयार है, हमारा प्लेटर भी तैयार है, हमने चटनी भी तैयार करके रख ली है, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी 3 दिन की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। और प्लेटर भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ कि जो फॉइल पेपर के अंदर हमने प्लेटर बनाया था वो बड़ा ही ज़बरदस्त था और मज़ेदार सा है। इसके अंदर हमने कोयले की स्टीम ली थी, कोयला जो है ठंडा हो चुका है, आप इसको हटा लें। साथ में हमने पराठे
और उसकी प्रेजेंटेशन को इस तरह से किया। चटनी के साथ आप इसको ज़रूर इंजॉय करें। चटनी हम इसके साथ यहाँ आपको सर्व कर देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना, दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखिएगा। एक बार हमारी तरफ से आप सबको और हमारी टीम की तरफ से ईद मुबारक। ईद उल अज़हा पे अपना और दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।